बसमिल्लर अल्लाक वरह वक्त तमाम प्यार प्यारे दोस्तों बहनों भाइयों बुजुर्गों को मियाँ जी चैनल में खुशियामदीद करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलोकम से होंगे और दुआ कहूँ कि अल्लाह पाक की सबको अपने हिफो ईमान में रखे और दुनिया की तमाम मुश्किलों मुसीबतों परियों दुखों तकलीफ़ों से महफूज़ फरमाए जी तो दोस्तों आज आपके लिए एक हर काम के लिए एक बहुत मजरबलम अमल ले के हाजिर ख़िमत हुआ हूँ अमलक तरीका का जाना पहले आप दोस्तों से मुहबत बरेतमाश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल मियाँ जी अमलियाज को सब्सक्राइब नहीं किया प्रायमे बनी वीडियो के नीचे रेड कलर बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेलाइक नोटिफिकेशन को लाजमी अन कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नए वीडियो जल्द से जल्द मिल सकें और आप हमारे अमलियाज से भरपूर फायदा उठा सकें चलते हैं दोस्तों अमल के तरीका की तरफ जी तो दोस्तों ये अमल थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन ये बड़ा कार आमद अमल है अमल बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा है आपने करना ये है कि आपने ये जो नक्श आपको स्कीम पर नज़र आ रहा है आपने ये दो नक्श तहरीर कर लेने हैं तहरीर कब करने हैं है? हफ्ता मंगल या पीर को अगर आपने तरी तहरीर नहीं करने अगर आप नहीं बना सकते तो आप इसकी फोटो कापी किसी भी दिन निकलवा ले दो फोटो कापी एक काम के लिए दो फोटो कापी निकलवानी है फोटो कापी निकलवाने के बाद आपने अगरबत्तियाँ लेनी अगरबत्तियों का ऊपर से मसाला उतार लेना है एक मट्टी की हांडी लेनी है ढक्कन समेत लेनी है और ये जो नक्श है इसके नीचे खाली जगह है खाली जगह पे आपने अपना मकसद लिख देना फ़ला है फलामिन फल का रिश्ता फलाम फल से हो जाए फलाम बिन फलाँ का रिश्ता फलामिन फलाँ से ख़त्म हो जाए फलाम बिन फलाँ को ऐसे तो आपने लिख लेना है फलामिन फलाँ की टांग टूट जाए फलाम फल का जो भी आपका काम है आपने दोनों पे इसी तरह लिख देना लिखने के बाद आपने दोनों पे 21-21 जूते मारने हैं। जूते मारने के बाद एक नक्श को आपने उसी वक्त जला के आपने हांडी में डाल देना हांडी में डालने के बाद जो अगरबत्तियों का मसाला आपने उतारा होगा वो आपने हांडी में डाल देना उसके बाद जो दूसरा नक्श है जो लिखा हुआ है उसको हांडी में रखने से पहले बोलना है आपने अगर तूने मेरा ये काम ना किया तेरा भी वही हाल करूँगा जो पहले का किया ये आपने लाजमी हुक्म लगाना उसको अगर तूने मेरा ये काम ना किया तो तेरा हाल भी वही करूँगा जो पहले का किया यानी कि मैं तुझे भी जला दूंगा उसको आपने हांडी में डाल देना और वो जो अगरबत्तियों का मसाला है वो डाल के ऊपर डक्कन बंद करना है डक्कन कैसे बंद करना है यहाँ पे जो अमलियात में तो लिखा गया है कि आटा गूंदा वो आटा लेना है आटा ले कर बांध देना है लेकिन जो मेरा अपना ज़ेन है आटा नहीं अच्छा लगा मुझे आप इसकी जगह पे अगर आपको गोबर मिल जाए तो गोबर ठीक है नहीं तो मट्टी लें जो खनकनाती मट्टी होती है उसको गूंद के पानी के साथ गोंद के तो आप फिर ये बना लें उसको लेप कर दें साइड पे उसको बंद कर दें बंद करने के बाद उस हांडी को आप किसी ऐसी गंदी जगह पे जहाँ पे गधे या घोड़े बांधे जाते हो गंदी जगह हो पेशाब वगैरह करते हो वो जगह खड्डा निकाल के आप उधर दफन कर दें अगर ऐसा नहीं कर सकते तो किसी गटर में या फिर कोई ऐसी जगह गांव में होती है कि जहाँ पे गटरों का पानी इकट्ठा होता हो और वो कीचड़ का एक छप्पर टाइप सा बन गया हो उसमें आप ये दफन करते हैं। याद रहे अच्छे बुरे के जवाबदार आप खुद होंगे मैं ये अमल अपलोड कर रहा हूँ कुछ दोस्तों की फरमाइश पे और अगर इसमें आप किसी का नुकसान करेंगे वो आप गुनाह के जिम्मेदार आप खुद होंगे और हाँ ये अमल करने में ये आप लोग कहेंगे कि ये शीरा है ये वैसे वैसे भाई जिन्होंने ऐसे अल्फाज बोलने हैं भाई वो छुप रहे हैं इसमें ऐसा कोई गुनाह नहीं है ठीक है हमने शैतान को जूते ही मारने शैतान की कोई पूजा पाठ नहीं होगी इसमें ठीक है उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नए के नए तब तक के आपका और मेरा अल्ला